सो आज तुम्हारा भाई आ चुका है सीपी के अंदर यानी कॉनॉट प्लेस, और यहाँ खुल चुका है बजाज चेतक का नया शोरूम जिसका जब विजिट करेंगे, और यहाँ पे इनके ईडी भी आ चुके हैं। ईडी बोले तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनसे मैं डायरेक्ट पूछूंगा कि भाई अपने इलेक्ट्रिक पल्सर कब ला रहे हो, केटीएम इलेक्ट्रिक कब आएंगी, और बजाज का नया स्कूटर भी कब आएगा, सब इस वीडियो में होने वाला है। तो चलो अंदर। अब बजाज के से पहले भी शोरूम थे दिल्ली में, स्कूटर ऑलरेडी सेल हो रहा था, लेकिन जो ये वाला ये भाई इनका डेडिकेटेड शोरूम है, यहाँ पे सिर्फ चेतक इलेक्ट्रिक देखने को मिलता है। पहला यहाँ पे खड़ा हुआ भाई हेजल नट कलर, दूसरा खड़ा है वहाँ पे ब्लू वाला कलर, और तीसरा है बाहर रेड वाला, वो टेस्ट राइड के लिए। चलो ऊपर भी चल के देखते हैं भाई, काफ़ी बड़ा सा बना रखा है इन्होंने। आजा। तो ये है भाई इसकी पहली मंजिल, पहली मंजिल पे हम खड़े हुए हैं। ऊपर आगे कुछ भाई ऐसा दिखता है, तो ये भाई कुछ ऐसा बना रखा है, दिखने दिखाने में तो बढ़िया सही खर्चा कर रखा है इन्होंने, और सीपी में ज़रूरी भी था क्योंकि प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर तो प्रीमियम शोरूम भी होना चाहिए। तो भाई यहीं पर अपना इंटरव्यू होने वाला है अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा से। भाई तुम्हें एमडी का इंटरव्यू कैसे मिल गया? बातचीत है भाई अपनी, उनसे दिल की बातें पूछेंगे, इंटरव्यू नहीं होगा, सवाल पूछेंगे दिल के कि भाई सीधा सीधा बता दो घुमा फिराए बिना कि बाइक कब ला रहे हो, नया स्कूटर कब आ रहा है, सब भाई दिल खोल के पूछ दो मैं तो। अब वो जवाब कैसे देते हैं वो तो आपको पता लग जाएगा, दो मिनट में स्टार्ट होने वाला है। वहाँ पे होगा? चलो भाई वहाँ पे हो रहा है, उस वाली टेबल पर बैठते हैं। सबसे पहले मेरे को बताओ, मैं जानता हूँ आपको ईडी हो, आप ईडी हो बजाज ऑटो के, राइट? ईडी होता क्या, क्या रैंक होती, क्या लेवल होता है? प्रमुख सेवक। मतलब टॉप थ्री में बंदों में आते हो आप? नहीं अभी यार, क्या मतलब क्या है टॉप नहीं, मेरे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ऑनेस्टली बताऊं, अपने लिए नहीं पूछ रहा, ऑडियंस को जानना थोड़ा आसान हो जाता है, ईडी उन्हें क्या समझ आएगा ईडी क्या होता है? आप कह सकते हो बोर्ड है, एक कंपनी को बोर्ड चलाती है। ओके। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर है होता है, और जैसे हमारी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजीव बजाज है, उसके बाद ईडीज होते हैं जो प्रोडक्शन संभालते हैं, मैं बिजनेस यूनिट संभालता हूं, मतलब ओके बिजनेस संभालता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, जो चेतक था पहले मुझे पसंद आता था बस थोड़ा दूर से, बट लेकिन रिसेंटली जो आपने प्राइस कट करा है तो मुझे ज्यादा पसंद आने लगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, थोड़ा कम साइज करता लेकिन अब मैं सजेस्ट कर पाता हूँ लोगों को। तो मतलब आपने कैसे करा है एकदम से इतना बड़ा प्राइस कट? अरे उसमें क्या है कि हम लोगों का जो सप्लाई चेन था, जब हम लोगों ने शुरुआत की, हम एक दो बड़े इंटरनेशनल प्रसिद्ध वेंडर्स के साथ काम कर रहे थे, और उनको प्रॉब्लम्स हो गई कुछ, उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम्स हो गई, फिर हम लोग ने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया, नए नए वेंडर्स को के साथ बात की, हमारे R&D ने उनके कंपोनेंट्स लेके चेतक में अप्लाई किए, उससे हमारी सप्लाई भी इम्प्रूव हुई और उससे हमारी कॉस्ट भी कम हुई। जैसे हम लोगों को पता चला कि ये कॉस्ट अब कम हो गई है, हमने वो हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा हायर प्राइस होता है, जैसे आप कह रहे हो बात सही है, हमने मुझे बढ़िया बढ़िया शोरूम काफ़ी अच्छा खोल दिया। थैंक यू। एक चीज़ और जाननी है, ये भी थोड़ा पजल है कि ये क्या सेवा करनी है तो करना पड़ता है भैया खर्चा, और ऐसे थोड़ी हो जाता है। थैंक यू सर। ओके, तो नेक्स्ट ये है कि अपना जो चेतक है, ठीक है, 3 साल हो गए हैं, मोटे मोटे 3 हो गए हैं, सेम चल रहा है, नया क्या आएगा, कब आएगा, हमें पसंद आ गया लेकिन कब तक? अरे सेम चल रहा है माने क्या है, अभी तो पहले 1-2 साल तो ये सप्लाई चेन में चले गए। अच्छा। दिसंबर तक तो सिर्फ 40 शहरों में थे हम, तो पहले हम ये जो है इसके लिए अभी भी इतनी भूख है। हाँ। कि पहले हम इसको इसकी पूर्ति करना चाहते हैं, तो अभी ये हुआ नहीं और हम आगे कूद जाएं, इसको इतनी अच्छी गाड़ी है तो हमारा, हम तो ये कह रहे हैं कि पहले इसको हम पूरे इंडिया में करना। अब आप देखो दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर में 27 मिलियन लोग रहते हैं यहाँ, अभी हम लोग खोल रहे हैं, तो हमारे हिसाब से तो ये और दिल्ली के हिसाब से तो एक नई प्रस्तुति हुई। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी ज़ोरदार काम चल रहा है बैकग्राउंड में, और नए प्रोडक्ट हैं चेतक के ही अंडर,
और लगेगा एक आध साल, बट लाएंगे। एक चीज हो रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी शिफ्ट भी होता है, अपने जो लिथियम आयन बैटरीज हैं जो NMC केमिस्ट्री के साथ आती हैं, वो प्रसिद्ध है, काफी सही चल रही है, लेकिन LFP का भी गेम आ रहा है, तो बजाज वर्क कर रहा है साइड में। देखो क्या है कि अंग्रेजी में कहावत है, हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, मतलब आधा लोग समझते नहीं है, इसलिए ऊपर एक हवा चल जाती है कि LFP अच्छा है, NMC अच्छा है। भाई किस केस में, किस यूज में आप उस किस तरह से उसमें से एनर्जी लगाओगे, उससे किस तरह से उसमें आप एनर्जी भरोगे, आप किस यूज के लिए उसको डालोगे, ये सब उसका वेट कैसे आप मैनेज करोगे, कॉस्ट, काफी चीजें होती हैं। तो ये डिस्कशन ऐसे लाइट डिस्कशन नहीं करता कि भाई ये अच्छा चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है। तो ये R&D लोग तो इसमें PhD करते हैं, R&D लोग तो इसी में लगे रहते हैं, तो हम लोग सब टेक्नोलॉजी स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं कि अच्छा भाई चेतक इस चीज़ के लिए यूज़ होगा, तो सब चीज़ें मुद्दे नज़र रखी, ये टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है, तो उस हिसाब से हम करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा था हमारी ऑडियंस ने, पूछ लिया है मैंने। ओके, तो नेक्स्ट ये है कि मैं तो यही कहूंगा आपके बिजनेस को कि डोंट गो इनटू दिस, ठीक है, अच्छे ब्रांड की तरफ जाइए, ब्रांड को देखिए, आप ये सोचिए कि जो अच्छा ब्रांड है उसके R&D वालों ने ये कर रखे है, आप अपना दिमाग मत खर्च करिए इस पे, क्योंकि आपको कभी नहीं समझ में आएगा पूरी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है जो कि सब बंदे चाहते हैं, ये अपनी बाइक कब आ रही है, पल्सर वगैरह हो गई, बंदे बैठे हुए हैं ताक में, कौन सी बाइक, अपनी पल्सर हो गई, इलेक्ट्रिक में कब आएगी? इलेक्ट्रिक, हाँ, अभी तो हम लोगों का फोकस स्कूटर सेगमेंट पे ज्यादा है, और हमारे जो पार्टनर्स हैं KTM, वो परफॉर्मेंस बाइकिंग में बहुत तेज हैं, तो उनके साथ एक डेवलपमेंट चल रहा है, अब कब खत्म होगा और कि पल्सर में आएगा कि किसी और चीज में आएगा, वो अभी सब डिसीजंस लेने हैं। और क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इस साल हमारा एक नया स्कूटर आ जाएगा या नेक्स्ट ईयर? देखो साल के एंड तक, क्या साल के एंड तक देखो अभी, पर मैं फर्म कुछ नहीं कह सकता यार, देखो क्योंकि ना इसमें मैं कुछ स्पेसिफिक कहना नहीं चाहता, क्योंकि कंपेटिटर्स भी होते हैं, लोग प्राइस पूछते हैं, लोग पूछते हैं कब गाड़ी, हम क्यों कॉम्पिटिशन को अलर्ट करें कि हम ये चीज लेके आ रहे हैं, ये प्लान उसके दो तीन महीने पहले बता देंगे और नाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट है थोड़ा कंपटीशन को लेके, लाइक जो बजाज है, मैं हर महीने अपनी सीरीज निकालता हूँ टॉप 10 वाली, कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, बजाज 7 नंबर पे चलता जा रहा था, लेकिन अब एकदम जम मारा है, ठीक है, 7 से ऊपर आ गया हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये बंदे, एक तो स्टार्टअप है और एक लेगेसी ब्रांड है, वो एक फर्स्ट पे बैठा है, एक सेकंड पे बैठा हुआ है, ईवी के लिए आप करते हो? मैं ईवी पे ही बोलता हूँ, मेरा सारा कंटेंट ईवी पे, मुझे उनका तो आइडिया ही नहीं है, ठीक है, तो आप 7 पे चलते हैं, आपने अच्छा खासा जंप लिया इस बार, अब एक बंदा बैठा है स्टार्टअप का जो टॉप पे बैठा हुआ है, दूसरा है लेगेसी ब्रांड से ही है, वो सेकंड पे है, आपको थोड़ा जलन वलन से नहीं होते यार? नहीं नहीं नहीं, अब आप सोच सकते हो कि आप अगर ये सोचो कि ये 100 मीटर की रेस है, ये 400 मीटर की रेस है, कि ये 40 किलोमीटर की मैराथन है, अगर आप अपना सोचने का तरीका बदल लोगे तो आपको इमीडिएटली समझ आएगा, हो सकता है आप 100 मीटर की रेस देख रहे हो कि मंथ बाय मंथ, तो 100 मीटर की रेस है, साल हुआ 400 मीटर की रेस, हम लोग थोड़े से ज्यादा लंबी रेस सोच रहे हैं, क्योंकि ईवी की कहानी तो अभी शुरू हुई है, तो हम अभी इसमें नहीं है कि हमारे की जैसे जैसे मार्केट बड़ा हो जाएगा, जैसे जैसे इक्विलिब्रियम में आता जाएगा, जरूर तब हम नंबर के लिए करेंगे, तब हम पोडियम फिनिश के लिए तैयार करेंगे, अभी हम अपनी काबिलियत बना रहे हैं, अभी हम अपनी जरा मसल्स बना रहे हैं, और जब टाइम आएगा तब हम दौड़ेंगे। एक चीज हो रहा है कि आपका जो आईएस वाला बिजनेस बहुत बड़ा है, ठीक है, उससे ईवी में ट्रांजिट करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्यों? मतलब और ये नई कंपनी है चेतक टेक्नोलॉजी, समझे नहीं, मतलब कंप्लीट शिफ्ट होने में कहता हूँ, आप नहीं करोगे? नहीं, क्यों? अगर कंज्यूमर है उसको आइस चाहिए तो देखिए सबसे अच्छी आइस ये है, आपको इलेक्ट्रिक चाहिए, हमारी कंपनी है आपको एक इलेक्ट्रिक दे देगी, हम क्यों उसको मारे? चलो इस पे एक और सवाल बच जाता है कि बजाज का कोई गोल है कि फुल्ली इलेक्ट्रिफिकेशन पर हम चले जाए? क्यों नहीं है? हमारा गोल नहीं है, हम वही करेंगे, या तो हमारी सरकार हमको बोलेगी करने को, तो या अगर हमारे उपभोक्ता बोलेंगे हमको करने को, हम क्यों बोले? ओके, मतलब कंज्यूमर दोनों चीज पे
अच्छे सेफ रिस्पॉन्सिबल गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स विच आर वेरी वेरी अपीलिंग, हम प्रयास वही करेंगे डालने का। तो अभी गोल नहीं है कोई? वो गोल नहीं, बिल्कुल नो गोल भाई। ठीक है, तो नाइस आंसर हो गया। नहीं नहीं, गोल इज टू पुट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर कस्टमर, फॉर कस्टमर, लेट द कस्टमर डिसाइड। फिर बढ़िया है। और रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा कि आप अब एक्सपोर्ट की तरफ भी ध्यान दोगे। किसमें? ईवी में? ईवी में। मैं सर, मेरे सारे क्वेश्चन ईवी के बार बार मेरा नहीं है ना, मैं दोनों चीजें देख रहा हूं। अच्छा, आप दोनों देखते हो, आपका माइंड उतर जा रहा है बार बार। ठीक है, तो चेतक को लेके एक्सपोर्ट करोगे तो मतलब आपका कोई सर्टेन नंबर है कि इंडिया में हम इतने यूनिट अचीव कर लें उसके बाद बाहर जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं। मैं वही कह रहा था कि जो देखो हम 96 कंट्रीज में, 30-40 कंट्री तो हम 40 कंट्री तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहाँ पे जा रहे हैं ये लोग इलेक्ट्रिक में। और बाहर के देशों पे जिस तरह से, चाइना को छोड़ के, और चाइना में हम है नहीं, इलेक्ट्रिक का एडॉप्शन अभी जोर नहीं पकड़ा है। हम देख रहे हैं अभी तो इंडिया में बहुत काम करना है। ओके, सो इंडिया को करेंगे स्टेबलाइज, उन पे हम नजर रख रहे हैं, नजर, क्योंकि हम ऑलरेडी हैं वहां पे, हमारे लोग हैं वहां पे, जाते हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे प्लांट्स हैं, डीलरशिप्स हैं, वो सब है। तो जैसे वो जोर पकड़ने लगेगी तो हम कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ऑनबोर्ड चार्जर है जो आपके स्कूटर में, मैं उसका फैन हूँ। हाँ, मेरे को बहुत पसंद है वो चीज, मेरे को कैरी करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। एक टेक्नोलॉजी ये हो गई, ठीक है, दूसरी होती है स्वैपेबल बैटरी, उसके ऊपर आपका क्या है? हाँ, नहीं, स्वैपेबल बैटरी भी अच्छी टेक्नोलॉजी है। उसमें क्या चाहिए कि आपको इनफ नंबर ऑफ व्हीकल्स होनी चाहिए ताकि स्वैपिंग नेटवर्क आपका बढ़ जाए, तो उसके ऊपर भी हम लोग का ध्यान चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर भी ध्यान है, जैसे जैसे नेटवर्क आएगा हम चेतक को स्वैपेबल भी बना सकते हैं। गुड क्वेश्चन, नाइस आंसर सर का। ठीक है, आ सकता है भाई, बात चल रही है। मेरा लास्ट क्वेश्चन, उसमें पहले की पहले नेटवर्क आना चाहिए, नेटवर्क आना है, मतलब टाइम लगेगा। तू पहले वो चिकन एंड एग वाला लड़ा है, थोड़ा वो थोड़ा ब्रेक होने में टाइम लगेगा, वो हो जाएगा ब्रेक, एक हो जाएगा। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कोई स्टार्टअप या कंपनी जो आपके अकॉर्डिंग अच्छा कर रही है ईवी में? नहीं, कई स्टार्टअप है अच्छा कर रहे हैं। okay. मेरे ख्याल से एथर अच्छा कर रहा है। okay. ओला अच्छा कर रहा है। okay. एम्पियर भी अच्छा कर रहा है। अच्छा, और स्टार्टअप में तो यही मेरे को ध्यान में आते हैं, वो रिवोल्ट वालों ने भी मोटरसाइकिल डाली है, बहुत क्वांटिटी कम सर, है। आपने ऐसे मतलब कैसे देखते हो, स्टार्टअप देखते हो या फिर यहाँ पे सब बंदों को एक साथ चलना है वैसे देखते हो? मतलब सॉरी, नहीं नहीं, हम ऐसे थोड़ी देखते कि सबको एक साथ चलना है। ओके, हम ये देखते हैं कि हमको इन सबसे आगे निकलना है, चाहे स्टार्टअप हो चाहे लेगेसी हो, पर हम यही कह रहे हैं कि हम 100 मीटर की रेस में नहीं है, हम थोड़ी लंबी रेस में है। तो ऐसा नहीं है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, ये कोई वो समाज सेवा थोड़ी हो रही है यहाँ पर। बट है, अच्छी कंपनियां हैं, कोई बात नहीं, हम उनसे सही तरीके से कम्पीट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा इंटरेक्शन था। काफी ओपन हो सर आप, काफी ओपन हो, खुल के बोलते हो। अच्छा, आप ऐसे कुछ? तो ये थी भाई अपने ईडी के साथ, अपने नहीं मतलब बजाज के ईडी के साथ अपनी बातचीत, कैसी लगी कमेंट में बताओ। और बात कर लेते हैं इस स्कूटर की भी, क्योंकि इसकी रिसेंटली प्राइस भी गिर गई है। तो भाई दिल्ली में इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो 1,22,000 रुपये, और ऑन रोड ये पड़ जाएगा लगभग 1,30,000 रुपये का। और यहाँ पे मुझे पता चला कि जो वेटिंग है आज 15-20 दिन की चल रही है। तो ठीक है भाई, कैसा लगा इंटरेक्शन वीडियो के कमेंट्स में बताओ, बजाज को भी टैग कर सकते हो, अगर ज़्यादा ही पसंद आया उन्हें बताओ भाई, वीडियो अच्छी बनाता है। अगर ईवी कंटेंट देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन दबाओ, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।